हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड दीज ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टीज सिक्स और सेवेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स. सो द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन इन द व्यू यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो दैट this is a determinant is equal to a minus b, b minus c, c minus a. So let del equal to 1 a, a square, 1 b, b square, 1 c, c square. Apply R1 replaced by R1 minus R2 and R2 replaced by R2 minus R3. मुझे यहां पर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए चाहिए. तो ऐसा करने के लिए मुझे R1 में से R2 को और R2 में से R3 को माइनस करना होगा. Whenever we apply two operations together, then one is most important thing. In the second operation, we will not use the row or column in which the first we apply the operation. मैंने यहाँ पर R1 में operation लगाया था, तो second operation में मैं R1 का इस्तेमाल नहीं करूँगा. Now we have next step del equal to 1 minus 1 0 a minus b, a minus b and this is a square minus b square. In second row again 0 b minus c, b square minus c square and third row remains unchanged. Again apply, sorry, in next step 0 a minus b and this split a plus b into a minus b. Similarly 0 b minus c, this split b plus c into b minus c, 1 c, c square. Take common, this is another property. Take common a minus b from R1 and b minus c from R2. So now we have a minus b, b minus c and the determinant, remaining determinant now 0, 1, 0, 1, A plus B, 0, 1, B plus C and 1, C, C square. If we observe right hand side, so we have two values common from the determinants. Now again apply, R1 replaced by R1 minus R2. Now we have a minus b, b minus c, again 0 minus 0, 0, 1 minus 1, 0, a plus b minus b plus c. Now we have a minus c, 0, 1, b plus c and 1, c, c square. जब भी हम यहां ऑपरेशन लगाएंगे इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमें राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू चाहिए और जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है हम उनका इस्तेमाल करते हैं. सो हियर अगेन टेक कॉमन, ए माइनस सी और टेक कॉमन ए माइनस सी फ्रॉम आर वन. सो नाउ वी हैव डेल इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी. हियर 0, 0, 1, 0, 1, b plus c, 1, c, c square. जब कभी भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे और अगर आप कर भी देते हैं इसे एक्सपेंड तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा. एटलीस्ट दो ऑपरेशन आपको लगाने होंगे जो कि आप स्टार्टिंग में लगा चुके थे,
तो आप चाहते तो इस स्टेप के बाद इसको एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में साइक्लिक कैरेक्टर चाहिए जो फिर आपको बनाने में काफी दिक्कत जाएगी। इसलिए जितने भी आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप ऑपरेशन के थ्रू ही आंसर लाने की कोशिश करिए। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ओपन द डिटरमिनेंट, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन, सो फाइनली डेल इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी इंटू माइनस वन, और डेल इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। तो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ अवर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स सो दैट डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सो फर्स्ट एज्यूम द गिवन डिटरमिनेंट एज डेल इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अप्लाई अप्लाई सी वन, सी वन रिप्लेस बाय सी वन माइनस सी टू एंड सी टू रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी थ्री। सो नाउ वी हैव डेल इक्वल टू जीरो ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जीरो बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, वन सी सी क्यूब। नेक्स्ट डेल इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप जीरो ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी स्प्लिट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जीरो बी माइनस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वन सी सी क्यूब। नाउ टेक कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम सी वन, बी माइनस सी फ्रॉम सी टू। नाउ डेल इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। नाउ रिमेनिंग डिटरमिनेंट्स हियर जीरो वन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वन सी सी क्यूब। आफ्टर टेकिंग द कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड बी माइनस सी फ्रॉम सेकेंड कॉलम, सो दिस इज द रिमाइंडर। नाउ अगेन अप्लाई सी वन रिप्लेस बाय सी वन माइनस सी टू। नाउ वी हैव ए माइनस बी, बी माइनस सी, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन अगेन जीरो, हियर दिस माइनस दिस, सो बी स्क्वायर कैंसिल आउट, वी हैव ओनली ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, रिमेनिंग टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वन सी सी क्यू। नेक्स्ट डेल इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी इज कॉमन हियर। नाउ वी हैव जीरो जीरो एंड देयर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस बी इज कॉमन अगेन ए माइनस सी इन सेकेंड रो, जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वन सी सी क्यूब। नाउ टेक ए माइनस सी कॉमन फ्रॉम सी वन, सो डेल इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। नाउ वी हैव जीरो
जीरो ए माइनस सी इज कॉमन, सो देयर ए प्लस बी प्लस सी हियर वन सॉरी जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर वन सी सी क्यू. नाउ दिस इज द रिमेनिंग डिटरमिनेंट्स आफ्टर टेकिंग कॉमन ए माइनस बी बी माइनस सी एंड ए माइनस सी. नाउ फाइनली डेयर इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी एंड सॉल्व दिस. सो नाउ जीरो माइनस जीरो प्लस वन जीरो माइनस जीरो प्लस वन विद दिस जीरो इंटू सो जीरो माइनस ए प्लस बी प्लस सी ओपन विद जीरो सो जीरो हियर with minus 0, so minus 0 and with 1, so 0 into this, minus 1 into this. So finally, J equal to A minus B, B minus C, C minus A, and A plus B plus C. This minus multiply with A minus C, so we have C minus A and with A plus B plus C. So, this is the right hand side of our question. Next question, using the properties of determinants so that x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 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 x plus 4 equal to 5x plus 4, 4 minus x, whole square. अगर हम यहाँ देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे पहले नजर डालिए, आपको चाहिए 5x plus 4, अब फिर यहाँ देखिए आपको 5x plus 4 कैसे मिल सकता है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो मिलेगा. तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप C1, C2 और C3 को ऐड कर देते हैं तो आपको 5x plus 4 मिल रहा है एक कॉलम से पूरे से. So now we start with this initiative. Del equal to here x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 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 x plus 4. Apply C1 replaced by C1 plus C2 plus C3. So now we have apply this x plus 4, 2x plus 2x, that means 5x plus 4. Here again 5x plus 4. Here again 5x plus 4. इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप ये देख लें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है. नेक्स्ट 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 टेक कॉमन फाइव एक्स प्लस फोर फ्रॉम सी वन. नाउ वी हैव डेल इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर रिमेनिंग डिटरमिनेंट्स वन 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 टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर. Apply. Now apply R1 replaced by R1 minus R2 with R2 replaced by R2 minus R3. So we apply now two operations together. So now this become 5x plus 4 is common outside remaining. 1 minus 1, 0. 2x minus x plus 4. So this become x minus 4. 2x minus 2x. This is 0. In second row, 1 minus 1 again 0. X plus 4 minus 2x. That means 4 minus x.
2x minus x plus 4, so here x minus 4, and third row is the same as above, 1, 2x, x plus 4. Here we want 4 minus x whole square, so now apply del equal to 5x plus 4, take common 4 minus x from first row and 4 minus x from second row. Now we have 0, 0, 1, minus 1, 1, 2x, 0, minus 1, x plus 4. Take common 4 minus x from R1 and 4 minus x from R2. So now we have 5x plus 4, 4 minus x whole square. Now open the determinants. So here 0 plus 1. With 1 we have this into this 0 plus 1 plus 0. So finally we have 5x plus 4, 4 minus x whole square. Here take common 4 minus x from R1, 4 minus x from R2. Now you get the answer 5x plus 4, 4 minus x whole square. Our next question. Determinant A minus B minus C, 2A, 2A, 2B, B minus C minus A, 2B, 2C, 2C, C minus A minus B is equal to A plus B plus C whole cube. So here, first we observe, how can we find A plus B plus C applying the operations. If we add R1 with R2 with R3, so now we have A plus B plus C, A plus B plus C, so if we, so here, start with original determinant A minus B minus C twice A, twice A, 2B, B minus C 2B, and finally 2C, 2C, C minus A minus B. Apply R1 replaced by R1 plus R2 plus R3. So now you have A minus B minus C. Add with this, add this. So now we have A plus B plus C. Similarly, 2A plus A, B, C. So now again, A plus B plus C. And here also, A plus B plus C. Second and third row remains same. B minus C minus A. Because we apply operation only in first row. So here 2C. 2C, C minus A minus B. Take common A plus B plus C from R1. So we have here A plus B plus C now 1 2B, 2C, 1, B minus C minus A, 2C, 1, 2B, C minus A minus B. Now apply now C1 replaced by C1 minus C2 and C2 replaced by C2 minus C3. Our main objective is we want to find A plus B plus C as the factor. So here, del equal to A plus B plus C is outside, inside C1 minus C2. So when we apply C1 minus C2, so 1 minus 1 becomes 0 here. When 2B minus B plus C plus A. So now we have here B plus C plus A. 2C minus 2C again 0. In second column, 1 minus 1 0. B minus A. So now we have minus B minus C minus A.
2c minus this, so again we have c plus a plus b, c plus a plus b, and third row is the same, 1, 2c, c minus a minus b. Here we apply two operations together in column. Next, a plus b plus c, this can be written as 0, b plus c plus a 0, 0 with minus common, b plus c plus a, c plus a plus b, and 1, 2c, c minus a minus b. Take common, c plus a plus b from c1 and c2. So we have here a plus b plus c, 1 a plus b plus c from c1, 1 a plus b plus c from c2. So now we have whole cube outside, here 0, 1, 0, 0, minus 1, 1, 1, 2c, c minus a, minus b. Now open the determinant here, because we have already applied more than 3 operations here. So 0, minus 0, plus 1. If we open with this one, so 1, minus, 1 into 1, 1, minus 0 again. So finally we have del equal to a plus b plus c whole cube. Now another question, using the properties of determinants, so that 1 plus a square minus b square twice ab minus 2b, second row and third row we want to prove equal to 1 plus a square plus b square whole cube. So now del equal to 1 plus a square minus b square twice ab twice b, second column twice ab, 1 minus a square plus b square minus 2a minus 2b 2a, 1 minus a square minus b square. Apply c1 replaced by c1 minus b c3 and c2 replaced by c2 plus a c3. C1 replaced by c1 minus b3, c2 replaced by c2 plus a c3. Now we have here 1 plus a square minus b square plus 2b square, here 2ab minus 2ab, and third row 2b minus 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 plus b minus minus, here sorry, minus 2b minus b plus b a square plus b cube. Similarly 2ab minus 2ab minus 2ab, here 1 minus a square plus b square plus 2a square after the multiplying a in c3, and minus 2a plus a minus a cube minus ab square. Third column remains same, minus 2b 2a, 1 minus a square minus b square. Now we have 1 plus a square plus b square, this step is there, here 0, and in third row 2b minus b, so take b common here, 1 plus a square plus b square. In second column 2ab, 2ab becomes 0, 1 plus a square plus b square, here take minus a common, so we have 1 plus a square plus
बी स्क्वायर बिकॉज माइनस टू ए प्लस ए बिकम माइनस ए एंड माइनस ए इज कॉमन आउटसाइड सो वी हैव 1 प्लस ए स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम इज द सेम एज अबव माइनस टू बी टू ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाउ टेक कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 and C2. So they are equal to 2 times 1 plus A square plus B square is common. So we take whole square outside from 1 times from C1, 1 times from C2. So we have here 1, 0, B in first column, 1, 0, B in second column, 0, 1 minus A, 0, 1 minus A, and third minus 2B. 2a 1 minus a square minus b square. Now we open the determinant 1 plus a square plus b square whole square. If we open this, we have 1. So 1 minus a square minus b square plus 2a square minus 0 plus sorry again minus 2b. This 0 minus 0 minus 2b, so we have 0 minus b. 0 minus b. So finally, d is equal to 1 plus a square plus b square whole square. Here we have 1 plus a square minus b square plus 2b square. So we have here plus b square again. So 1 plus a square plus b square, so d is equal to 1 plus a square plus b square whole square 1 plus a square plus b square so finally 1 plus a square plus b square whole cube now another question using the properties of determinant so that a square plus 1 ab ac b a b square plus 1 b c c a c b c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. Determinants के जितने भी question आप solve करेंगे आपको इसके लिए practice करनी होगी. ये सब अपने आप नहीं आएंगे, आपको बार बार इनको practice में करेंगे और फिर आपको ये मिलान करना होगा, match करना होगा कि what which equation we can be apply to be get the right hand side. So here we start this question and think about which properties, which operation can be useful in the first step for this question? CACB, C square plus A multiply by R1, B multiply by, sorry, B multiply by R2, C multiply by R4. Here we multiply A by R1, sorry, first row by A, second row by B, and third row by C. हमारे पास determinant में ऐसी कोई property नहीं है. हम अगर किसी row या किसी column से multiply करेंगे, तो उतना ही multiply आपको determinant में भी करना होगा. So here, A equal to, either you can multiply there, either in reciprocal. So 1 upon ABC there, or equivalent to relation. And now a multiply there, so you have a cube plus a square b is there, a square c is there. Now b square a, here b cube plus b square c, and there c square a, c square b, c cube plus c. Now, take common A from C1, B from C2, C from C3. आपने multiply तो row में किया था, column आप से आपको common निकाल रहा है, column से आपको common मिल रहा है, यहां से A, यहां से B और यहां से C. अब ए बी सी आप कॉमन निकालेंगे तो आउटसाइड एंड नाउ दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस वन हियर
बी स्क्वायर या सी स्क्वायर हियर, और बी इज कॉमन फ्रॉम सो हियर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर एंड सी इज कॉमन सो नाउ हियर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन. वी टेक कॉमन ए फ्रॉम सी वन, बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री. सो नाउ वी हैव अगेन डेल इक्वल टू एबीसी एंड एबीसी कैंसिल आउट. अगेन वी हैव हियर apply R1 replaced by R1 plus R2 plus R3. So now we have 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square. Second and third column are same as ever, B square C square, b square plus 1 c square, and here b square c square plus 1. Take common 1 plus a square plus b square plus c square from R1. So now take 1 plus a square plus b square plus c square. So here we are 1 b square c square, 1 b square plus 1 c square, 1 b square c square plus 1. Now apply R1 replaced by R1 minus R2 and R2 replaced by R2 minus R3. So in this step we have 1 plus a square plus b square plus c square is common inside the determinant 1 minus 1 0 sorry apply c1 minus c2 and c2 replaced by c2 minus c3. This becomes useful to us. So 1 minus 1 0, b square minus this will be have minus 1, this is again 0, here 0, here 1, minus 1, third column remains same, 1 b square, c square plus 1. Now open the determinant, because we have already applied more than 3 properties here. So 1 plus a square plus b square, most important part of the right hand side is now we have. So now open the brackets here, so 0, minus 0, plus 1, 1 minus 0. So finally we have 1 plus a square plus b square plus c square. So these are some questions based on the properties of determinants. Without using the property, it is very difficult to find right hand side these type of questions.